हेलो साथियों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पिट कटऑफ फॉर लेखपाल। क्या पिट कटऑफ फॉर लेखपाल और क्या पॉइंट्स होने वाले हैं? तो और पॉइंट्स होने वाले पोस्ट कितनी है, कितने फॉर्म अप्लाई हैं और पर सीट, एक सीट के लिए या एक वैकेंसी के लिए कितने लोग एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं, एग्जाम जब पास होंगे तो कितने मार्क लाने होंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले पोस्ट कितनी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कितनी है। तो आप सभी को पता होगा ये बात कि 8085 है, ठीक है साथियों, कितनी है 8085 है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म कितने हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है, लेखपाल कट ऑफ कितना जाएगा, तो सबसे पहले हम पेट कट ऑफ, ये लिखा हुआ पेट कट ऑफ कितना होना चाहिए। पेट मतलब जो पेट का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होना था, हुआ था, उसका लेखपाल के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। तो लेखपाल के लिए इसका स्कोर अभी देखो, जैसा आयोग ने मतलब गवर्नमेंट ने 50% एनम की वैकेंसी के लिए किया है, कितना 50% एनम की वैकेंसी, उसमें ऑलमोस्ट 9000 समथिंग वैकेंसी है, उसके लिए 50% पेट परसेंटाइल रखा है। तो मतलब इसका जो लेखपाल के लिए पेट परसेंटाइल होगा वो 50% होगा, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं लेखपाल कट ऑफ कितना जाएगा जब आप एग्जाम देंगे। अभी हम बताएंगे आपको अप्लाइड कितने फॉर्म अप्लाई हुए, पर सीट कंपटीशन कितना है। तो ये दोस्तों, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पता ही नहीं होगा हम कितने क्लास में लोग हैं, कितने लोगों को हमें हराना है तब हम जॉब पाएंगे, तो दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद जान लेते हैं लेखपाल का कट ऑफ। तो लेखपाल का कट ऑफ साथियों, पिछली बार जो एग्जाम लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें 80 नंबर का पेपर था प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू था, टोटल जो था 100 नंबर का, ठीक है साथियों। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, इस बार साथियों टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, आपका एग्जाम होगा। अब इसमें से कितने मार्क लाएंगे कि आप लेखपाल बन जाएंगे, तो दोस्तों इंटरव्यू जैसे आपको पता है समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 100 में से अगर, और इस बार ये भी ध्यान रखना कट ऑफ हाई जाने वाला है पिछली बार से, मैं फिर से कह रहा हूँ पिछली बार से कट ऑफ हाई जाने वाला है, इसीलिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अगर आप जानना चाहते हैं लेखपाल की तैयारी कैसे करें, लेखपाल के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी, लेखपाल में सिलेक्शन कैसे ले, या लेखपाल की सैलरी कितनी होती है, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो जान लेते हैं 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से इस बार आपको कम से कम 75 से 80 मार्क्स लाने होंगे, क्या 75 से 80 मार्क लाने होंगे, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो दोस्तों अप्लाई हुए हैं फॉर्म 13,50,000, मतलब 13.5 लाख। अब पर सीट कंपटीशन कितना है, पर सीट कंपटीशन के लिए हम क्या करते हैं 13,50,000 से इसको भाग कर देते हैं, सॉरी ये एक जीरो मिस है, मिस करना है, फिर 8085 से भाग करोगे तो ये बनता जाके है लगभग 167, मतलब एक सीट के लिए जो कंपटीशन है, क्या पर सीट कंपटीशन है, वो 167 स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमने बताया कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, टफ होने वाला है, इसलिए आपको स्ट्रेटेजी, फुल स्ट्रेटेजी की तैयारी करना, हमने बताया, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, लेखपाल में सिलेक्शन कैसे लें, लेखपाल की तैयारी कैसे करें, लेखपाल के लिए अच्छी किताबें कौन सी हैं जिसे सबसे ज्यादा स्कोर होता है, हिंदी की कौन सी बुक है, जीके की कौन सी बुक, अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।